नमस्कार दोस्तों, एके फैक्ट और टेक्निकल नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की नज़र भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर है। दोस्तों, चंद्रयान 3 इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार दोपहर 2:35 PM पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। ये प्रोजेक्ट 615 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। और दोस्तों, चंद्रयान 3 करीब 45 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि प्रत्येक भारतीय को पता होना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है और चंद्रमा का परीक्षण करना भी है। इस बार इसमें एक सेंसर भी जोड़ा गया है तथा इसके साथ इसके एल्गोरिथम में भी परिवर्तन किया गया है। और करीब 42 दिन बाद 24 अगस्त को चंद्रमा पर यह सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों, 22 जुलाई 2019 को इसरो द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था और 14 अगस्त को इसने पृथ्वी की कक्षा को छोड़ दिया था और ठीक 6 दिन बाद ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था और 6 सितंबर के दिन ये अपने ऑर्बिट से अलग हो गया था। लेकिन चांद की सतह के करीब 2.1 किलोमीटर की दूरी पर इसका संपर्क इसरो से टूट गया। इसी कारण चंद्रयान 2 मिशन असफल हो गया था और इसी को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन द्वारा इसरो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है और इसरो अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका को इसमें सफलता प्राप्त हुई है, तो भारत चौथा ऐसा देश बनने वाला है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की एक खास बात यह है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल में उतारा जाएगा, जिसे कि डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है, क्योंकि इस विषय में दुनिया को अधिक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है। जब भारत द्वारा चंद्रयान 1 को छोड़ा गया था तो उससे ये पता लगा कि साउथ पोल पर चंद्रमा के बर्फ हैं। तो चंद्रमा के साउथ पोल की गहनता से अध्ययन करने के लिए चंद्रयान 3 को साउथ पोल में उतारा गया है। दोस्तों, इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिट नहीं होने की वजह से इसके क्रैश होने का खतरा काफ़ी कम है, क्योंकि भारत द्वारा भेजा गया चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पहले से ही चांद का चक्कर लगा रहे हैं और चंद्रयान 3 को उसी के मीटर के साथ जोड़ा जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा 3 द्वारा चंद्रमा के मौलिक संरचना को जानने में मदद मिलेगी। चंद्रमा के अंदर भूकंप एवं भौगोलिक संरचनाओं की थर्मल फिजिकली प्रॉपर्टी के अध्ययन में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। दोस्तों, 2019 से 2023 तक पिछले 4 सालों से इसरो लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इस पर 615 करोड़ रुपये का खर्चा करने के बाद इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को चांद पर पहला कदम रखा था और राकेश शर्मा भारत के प्रथम एवं विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने कि चांद पर कदम रखा था। और उनकी अंतरिक्ष यात्रा के लौटने के बाद जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि आपको चांद से भारत कैसा दिखाई दिया, तो उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करो।